मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस 7 साल में कैसा रहा कार्यकाल, उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे चौबे जी कि जो मोदी सरकार 7 साल तक कैसा रहा, 7 साल इसे किस रूप में देखते हैं? अब 7 साल को हम लोगों ने अभी जो बातें कही हैं ये पूर्णतः असफल सरकार है। ना कहीं देश का विकास हुआ, ना महंगाई में लगाम हुआ, ना लोगों को रोजगार मिला, ना विकास के कोई काम हुए। देश नहीं बिकने दूंगा करके नारा लगाते थे, रोज बिक रहा है, पोर्ट बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे ट्रैक बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने बिक रहे हैं। आप पूरा देश को नीलाम करते जा रहे हैं, आप है कहाँ सरकार? मोदी ने 70 साल के कार्यकाल को चुनौती दी है 7 साल में, ऐसा उनका दावा है? हाँ, वो उनका ये कहना तो सही है कि 70 साल में जितने विकास के काम किए ये 7 साल में उसको बेचने का काम हुआ। दोनों का कोई स्पर्धा, दोनों का कोई तुलना हो नहीं सकता। वैक्सीनेशन को लेकर या कोरोना काल को लेकर उसमें कितना सफल रहे हैं मोदी या कितना सफल रहे हैं? मुझे लगता है ये सरकार पूर्णतः असफल है। वैक्सीनेशन का अगर इस देश में कमजोरी हुई तो उसका मोदी जवाबदार है, अगर लगातार मौत हुई तो उसका जवाबदार केंद्र की सरकार है। मानते हैं गंगा को लेकर राजनीति की गई थी मोदी के द्वारा चुनाव के समय, जिस तरह से गंगे की बात कहते हैं, लेकिन गंगा जी में रोज जिस तरीके से शव बहाए जा रहे हैं, हजारों शव रेत में दफन किए जा रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? यही नमामि गंगे है। चौबे जी ने बताया किस तरह से 7 साल रहा मोदी का और उसमें क्या क्या किया, और खासकर गंगा को लेकर भी उन्होंने जो दावे किए थे वो कितने सफल रहे, कितने सफल वह उन्होंने चौबे जी ने कहा। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में मोदी का के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस की आगे क्या तैयारी होती है और किस तरह से हमला करती है। कैमरामैन मितेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।